दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई के महीने में चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि चार धाम यात्रा के बारे में जानकारी दें कि 2024 में चार धाम यात्रा कैसे करें, किस तरह हम चार धाम यात्रा का प्लान करें कि बिना किसी भी परेशानी के हम चारों धाम की यात्रा आसानी से कर लें। तो आज की वीडियो हम इसी पे पूरी तरह से एक कह सकते हैं डेडिकेटेड वीडियो है, पूरी जानकारी देंगे और आपको एक ट्रैवल एजेंसी के पास ले चलेंगे जिन्होंने पिछले कई वर्षों से चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को यात्राएं करा रहे हैं। तो उनका पूरा अनुभव जो है इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ लोग कह रहे थे कि अगर चार धाम यात्रा का पैकेज लें तो उसका चार्जेस क्या है, पैकेज लेकर हम कैसे चार धाम यात्रा पूरी करें, तो वो उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो कह सकते हैं कि बहुत ही खास है आप सभी के लिए। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक आपको देखना है, और अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। चार धाम यात्रा जो है यमुनोत्री धाम से शुरू होती है और बद्रीनाथ धाम में जाकर समाप्त होती है। ये 10 दिन का प्लान है जिसमें काफ़ी मेहनत भी होती है, क्योंकि 10 दिन लगातार आप सफ़र भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं और उसके बाद मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं। हर वर्ष देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और पहाड़ों में आप जानते हैं कि जब आप यात्राएं करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। होटल से लेकर हर एक विषय पे आपको पहले से काफ़ी अच्छी सी जानकारी रखनी होती है, तभी जाके आपकी जो यात्रा है बहुत ही अच्छे से पूरी हो पाती है। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब मैं आपको लेकर एक ट्रैवल एजेंसी के पास चलता हूं और उनका जितना भी अनुभव है वो आपके बीच हम शेयर करेंगे, और किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको हम स्क्रीन में दिखाते रहेंगे। आप कॉल करके अपना प्लान के बारे में बता सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी हो। आप जानते होंगे चार धाम यात्रा जब होती है तो रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी होता है, तो ये सभी मामले में आपकी हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप यात्रा पैकेज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूरा आपको बताएंगे। डिटेल में वीडियो बनेगी और थोड़ी बड़ी होगी तो लास्ट तक देखना है। फाइनली हम उस ऑफिस तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप सभी को चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कई मुख्य जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। आप सभी को लेकर ऑफिस के अंदर चलते हैं, और ये ऑफिस है अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स का, जो पिछले कई वर्षों से चार धाम यात्राएं करा रहे हैं। ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं, हमारे साथ एक सर बैठे हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे और चार धाम यात्रा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि चार धाम यात्रा कैसे करनी चाहिए, क्या इसका सीक्वेंस क्या है, और उससे चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कई मुख्य जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और कितना समय हो चुका है आप लोग जो चार धाम यात्रा करा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। सुधीर है, अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल से हैं हम। जी जी। और पिछले कई सालों से हम चार धाम यात्रा में डील कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा है आपका? काफी अच्छा अनुभव है, काफी लोगों को यात्रा करा चुके हैं अभी तक। तो हम जानना चाहते हैं चार धाम यात्रा जब आप कराते हैं इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, सीक्वेंस क्या है और कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा जो है पूरे 10 दिन का प्लान होता है, एक बड़ा प्लान होता है, कई सारी कठिनाइयां भी आती हैं, मुश्किल होता है, कई बार कई जगह ट्रैकिंग करनी होती है, कई जगह बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए ये कैसे मैनेज करते हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए, मैनेज ऐसा होता है कि हम जो चार धाम यात्रा करते हैं वो हरिद्वार से शुरू करते हैं। हाँ जी। उसमें 9-10 दिन की यात्रा हमारा रहता है। जी जी। तो जो भी हम डीलिंग करते हैं वो मोस्टली पैकेजेस में डील करते हैं। अच्छा। पैकेजेस में डील इसलिए करते हैं कि ताकि पहले से जो उनके यात्रियों के होटल्स वगैरह बुकिंग हो वो ऑलरेडी पहले से सारी डन हो, और जैसे ही यात्री पहुंचे, जैसे पहले दिन जब यात्री यहाँ से निकलता है तो बरकोट पहुंचता है, तो बरकोट पहुंचे तो उसको सीधे होटल में चेक इन मिले, ऐसा कोई सर्च ना करना पड़े, इधर उधर होटलों में धक्के ना खाने पड़े, इन चीज़ों से इजली मैनेज हो जाता है।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आप पैकेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो घर में बैठते ही अपनी जो टेंशन है सारी टेंशन आपको दे दे। टेंशन हमारी हो जाती है जिस दिन वो यहाँ से निकलते हैं, उनको पूरा वाउचर वगैरह होटल्स वाउचर वगैरह। क्या सीक्वेंस होता है, कैसे यात्रा करते हैं? देखिए यहाँ से जब यात्री निकलता है तो दो नाइट हमारी भरकोट रहती है, जिसमें पहले दिन भरकोट नाइट होता है, दूसरे दिन वो यमुनोत्री दर्शन करता है, जानकी चट्टी तक जाता है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, ट्रैक अप डाउन करके वापस सेम उसी होटल में आते हैं। दो नाइट इसलिए रहती है सब जगह पर क्योंकि सामान बार बार लगेज ना निकालना पड़े ना लेना पड़े। जी जी, तो सामान वगैरह सब होटल पे ही रहता है। यात्री जाता है, दर्शन करके वापस आता है, रात को वहीं रुकता है। फिर वैसे ही आगे का प्रोग्राम बनता है। तीसरे दिन वो उत्तरकाशी पहुँचता है, वहाँ नाइट स्टे करता है। फिर चौथे दिन वापस सेम उसी होटल में सामान रहता है उनका, और गंगोत्री दर्शन करके वापस सेम उसी होटल में आ जाता है। तो इसी तरीके से आगे आगे का प्लान चलता है सारा। कैसे कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, बुकिंग करना चाहे, तो क्या प्रोसेस होता है? रजिस्ट्रेशन भी करा के आप ही देते हैं? रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हम करा के देते हैं। जैसे कि आपने बता दिया कि यहाँ से जब जाते हैं बरकोट में 2 नाइट स्टे होता है, तो ऐसे जब यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ पर स्टे देते हैं? उत्तरकाशी देते हैं। उत्तरकाशी देते हैं, फिर और बद्रीनाथ के आगे जब केदारनाथ रूट पे पहुंचते हैं तो हम रामपुर या सीतापुर नाइट देते हैं। जी जी, और एक नाइट हमारी केदारनाथ जी रहती है, एक नाइट बद्रीनाथ जी रहती है टेंपल के नियर। ये चारों धाम तो हो गए, रास्ते में और भी बहुत सारे प्लेस पड़ते हैं। रास्ते में जो ऑन द वे पॉइंट आते हैं काफी सारे हैं, जैसे आपका वाया मसूरी या गाड़ी निकलती है, कैंटी फॉल वगैरह साइट सीन होता है। जी जी, और जब हम उत्तरकाशी के लिए निकलते हैं तो शिव गुफा आता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल आता है, चोपता है, माना है, त्रिजुगी नारायण है, और 5 प्रयाग हैं, धारी देवी टेम्पल है, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है पैकेज में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि जो ये पैकेज प्रोवाइड करते हैं उसमें चार धाम यात्रा में तो आप अच्छे से दर्शन करते हैं, रास्ते में बहुत सारे मेन स्थान पड़ते हैं जिसमें 5 प्रयाग प्रमुख स्थान है जहाँ पर आप दर्शन करते हुए कुछ प्रयाग के तो जाते समय दर्शन कराते हैं या मोस्टली आते समय? मोस्टली आते ही समय होते हैं क्योंकि जाते हुए तो मसूरी पड़ता है। जी जी, और जो प्रयाग शुरू होते हैं वो केदारनाथ जी रूट से होते हैं। जी जी, तो वहाँ से प्रयाग करते हुए जब हम बद्रीनाथ से निकलते हैं तो मोस्टली तीनों प्रयाग हम लौटते हुए करते हैं, day 9th में और day 10th में। बुकिंग कैसे करें, कितना अमाउंट आपको पे करना होता है? बुकिंग के लिए हम कस्टमर पे ही छोड़ दें, मैक्सिमम मिनिमम 10-15% अमाउंट लेकर के हम बुकिंग ले लेते हैं यात्री। जैसे कोई बुकिंग कराए तो कितने दिन पहले आपसे संपर्क करें ताकि आसानी से बुकिंग मिल जाए और वो भी टेंशन फ्री हो जाए? देखिए बुकिंग का तो ऐसा होता है, ये सब प्री मेच्योर बुकिंग होती है जिसके लिए 1.5 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है ताकि होटल अवेलेबिलिटीज आराम से मिल जाए। क्योंकि चार धाम यात्रा में क्या रहता है कि एक तरीके से पैकेज वाला यात्री भी जाता है और करंट वाला भी जाता है, तो उसमें क्या रहता है कि होटल अवेलेबिलिटीज मिलना फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले से अगर बुकिंग करा के चले तो ज़्यादा फायदा है। अच्छी बात ये रहेगी अगर पहले बुकिंग करा लेगा तो उसको जो अच्छे होटल्स हैं वो मिल जाएंगे, नहीं तो बाद में पता चला कि होटल की जो डिस्टेंस है वो प्लेस से काफ़ी दूर है तो पैदल भी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। और कितना अमाउंट पहले आपको पे करना होगा ताकि 10-15% बुकिंग अमाउंट हम लेकर के बुकिंग ले लेते हैं? अच्छा, चार्जेस क्या रहते हैं, एक बार चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या बड़ा ग्रुप है तो किस पे डिपेंड करता है, थोड़े से चार्जेस बता दीजिए ताकि पहले से ऑडियंस को पता हो। चार्जेस का ऐसा रहता है सर कि जितना बड़ा गाड़ी है, जैसे मान लीजिए एक सपोज टेम्पो का एग्जांपल ले लें, अगर उसमें पूरे 12 ही लोग जा रहे हैं जी, तो थोड़ा कॉस्टिंग कम आता है। अब उसमें 8 लोग 7 लोग या 10 लोग जा रहे हैं तो कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ता है। सपोज एक छोटी सी गाड़ी डिजायर ले लीजिए आप जी, अगर उसमें 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोगों में कॉस्टिंग डिवाइड होगा, 4 लोग जा रहे हैं तो फिर 4 में डिवाइड होगा, तो वो उसी हिसाब से डिपेंड करता है सब। मान लेते हैं 4 लोग हैं और एक डिजायर कार से जा रहे हैं चार धाम यात्रा पर, तो क्या चार्जेस होगा पर पर्सन? अगर डिजायर से 4 लोग जा रहे हैं तो उसमें हम एक गाड़ी पूरी 9 रात 10 दिन उनके साथ रहती है, एक रूम हर जगह पे रहता है होटल में, और उसका जो रेट करीब करीब जाता है 23,500 रुपये पर पर्सन का जाता है मई जून में जी। क्योंकि मई जून क्या रहता है, यहाँ पे रश काफ़ी रहता है सीजन के टाइम पे, पीक सीजन रहता है। उसके बाद आगे चल के जैसे जुलाई अगस्त आता है थोड़ी बरसात वगैरह रहती है तो उस समय हल्का रेट रहता है, लेकिन जैसे जैसे और आगे फिर सितंबर से यात्रा शुरू होती है तो वो थोड़ा सा और रेट ऊपर बढ़ता है जुलाई अगस्त के उस कंपेरिजन में। हाँ, कितने लोग हों तो सही पैकेज उनको मिल जाता है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम देखिए अगर
अगर टेम्पो पे जाए तो कॉस्टिंग का हिसाब थोड़ा सा सही पड़ जाता है। टेम्पो बोले तो ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर में 12 सीट का होता है टेम्पो ये। जी जी, अगर मिनिमम 12 लोगों का एक ग्रुप जाए तो उसमें लोगों को कॉस्टिंग सही पड़ जाता है। तो ये हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, होटल प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फूड का क्या रहता है? फूड का जो भी हमारे होटल्स वगैरह रहते हैं जी, मोस्टली केदारनाथ जी को छोड़ करके जिस दिन हम केदारनाथ नाइट करते हैं उनसे अलग नीचे नीचे रूट पे जितने भी होटल रहते हैं सब में ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह इंक्लूड रहता है जी, और बफे सिस्टम रहता है, थाली वगैरह नहीं होता कोई। अच्छा, तो लंच उनको अपने आप, लंच के टाइम पे यात्री हमेशा जर्नी में रहता है तो उनको खुद ही मैनेज करना होता है। तो दोस्तों ये पैकेज जो आपको मिलेगा इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलेगी और उसके साथ साथ होटल मिलेगा और फूड में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और शाम का डिनर मिलेगा, और लंच के समय आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो खुद से आपको करना होगा। जो भी होटल्स आप प्रोवाइड कराते हैं वो किसी भी धाम में हो तो कैसे होते हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे? ठीक है, जो होटल्स रहते हैं मोस्टली क्या होता है, यात्री जो आता है चार धाम यात्रा करने वो नॉर्मली होटल्स में जाता है, मतलब ज़्यादा हाईफाई में नहीं इस्तेमाल करता, तो उसमें जो हमारे होटल्स रहते हैं वो हाइजीनिक होते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, अटैच वॉशरूम वगैरह सब अटैच रहते हैं उसी में रूम के साथ ही। जी जी जी। और केदारनाथ धाम में स्टे की बात की जाए तो वहाँ पर क्या प्रोवाइड कराते हैं? केदारनाथ धाम में हम जो भी स्टे देते हैं अपने यात्रियों को, जो पैकेज वाले यात्री होते हैं सबको पक्की बिल्डिंग में स्टे देते हैं ताकि ठंड वगैरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है ना बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंसी है वो टेंट प्रोवाइड करा देते हैं और टेंट में रात में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है। नहीं, टेंट वगैरह में नहीं देते, हमारा जो मोस्टली जितना भी स्टे रहता है वो सब पक्की बिल्डिंग में रहता है। तो जैसे कोई बुक करना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेगा तो उसके बारे में बता दीजिए आप। अगर बुकिंग करानी है तो हमारा अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स के नाम से है, आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। हमारे दो ऑफिस है, एक हरिद्वार में है और एक दिल्ली में भी है। अगर किसी को दिल्ली से करानी है बुकिंग, दिल्ली से दिल्ली यात्रा करना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी करा सकते हैं बुकिंग। दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप दिल्ली से ही चार धाम यात्रा करना चाहते हैं और वहीं से आपको पिक किया जाए और वहीं पर आपको ड्रॉप किया जाए तो वहाँ से भी इनका जो ऑफिस है दिल्ली में भी है, वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं और आसानी से टेंशन फ्री होकर आप चार धाम यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड चार धाम यात्रा के बारे में जाना। 2024 में अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो पैकेज वाली जो सुविधा है ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गाड़ी की ज़रूरत है, आप लगता है कि आप सिर्फ गाड़ी लेकर ही यात्रा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप पैकेज लेंगे तो टेंशन फ्री यात्रा आपकी होगी, आसानी से सब कुछ पहले से ही बुक होगा, होटल हो या गाड़ियां हो तो किसी तरह की कोई इशू नहीं आएगा। और ये जानकारी जो हमें दी है अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स ने दी है और इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी अगर आपका इशू है या आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करा कर चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और पहले बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी पहली बुकिंग हो जाएगी तो आपको अच्छे जो होटल हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और आपकी जो यात्रा है वो प्रॉपर आपसे हो पाएगी। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, चाहे वो चार धाम यात्रा की हो या उत्तराखंड के बाकी जो प्लेसेस हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।